subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. बाजार बहुत अच्छी फिल्म लगी, ऐसा लग रहा है कि हमें शेयर मार्केट की नॉलेज भी बढ़ गई है और अच्छी नॉलेज मिली है. वेरी गुड मूवी, गुड, अच्छी. आई लाइक द फिल्म, फिल्म इज वेरी गुड, एक्सीलेंट. सैफ अली खान बहुत ही मजा आई. रोहन मेहरा इज एक्सीलेंट एक्चुअली, बहुत कॉन्फिडेंट है. डेफिनेटली सैफ अली खान के सामने जो टक्कर वाला है रोल, वैसे उन्होंने रोल किया है. बहुत अच्छी फिल्म है, आई लाइक इट. ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट था, शेयर मार्केट के ऊपर, तो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए बहुत अच्छा लगा. स्टोरी बहुत अच्छी है. दोनों हीरो जो सैफ अली खान और रोहन मेहरा, उन्होंने बहुत ट्रेमेंडस एक्टिंग करी है. रोहन वुड गो ऑन एज अ न्यू कमर, आई वुड रेट हिम 4 out of 5. फिल्म देखी हमने, बहुत अच्छी लगी. बहुत अच्छा काम है सैफ का और रोहन मेहरा आपको, बहुत अच्छा सब लोग, सब अच्छी फिल्म है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. काफ़ी लाइक आपको लगता रहेगा कि अब क्या होगा. सो आप बोर नहीं होते. इट्स अ वेरी नाइस मूवी. अच्छी फिल्म है, थोड़ी अलग हटके है. ये टॉपिक पे काफ़ी टाइम से फिल्म नहीं आई है, तो अच्छा लगा देख के. अच्छी फिल्म है. आपको कैसा लगा कैरेक्टर्स का एक्टिंग और कैसा प्रेफरेंस करेंगे आप, कौन से फर्स्ट किसको प्रेफर करेंगे एक्टिंग वाइज? रोहन मेहरा जिसकी पहली फिल्म है, विनोद मेहरा का सन है, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी एक्टिंग. ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी पहली फिल्म है, पहली फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, और बहुत आगे जाके बहुत बड़ा स्टार बनेंगे. सैफ अली खान की एक्टिंग अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है. आई सेड लाइक इन रोहन मेहरा डेफिनेटली. सैफ अली खान तो कहने की बात नहीं, उनके लिए स्पेशली ये जो रोल, जिस तरह का जो रोल है एक्चुअली, जो एक रॉयल रोल होता है, और हमने जो देखा जो रॉब द टाइप का जो बिजनेसमैन है, वो रोल डेफिनेटली सैफ अली खान के सिवा आई डोंट थिंक एनीवन वुड बी एबल टू डू इट. सो द कास्टिंग इज वेरी परफेक्ट. रोहन मेहरा पहली फिल्म, ही इज एक्सीलेंट एक्चुअली. सैफ अली खान ही इज माई फेवरेट एज वेल, तो और ऊपर से गुजराती छोरे की एक्टिंग करी है, तो अमेजिंग. दैट्स अमेजिंग, इट सूट्स हिम. कोई स्पेसिफिक चीज मूवी के बारे में जिसकी वजह से लोगों को देखना चाहिए? हाँ, एक तो जो टॉपिक है, दूसरा जो स्टोरी लाइन है कुछ डिफरेंट है. जैसे आजकल सेम मूवीज बार बार आ जा रही हैं, तो थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, दे वुड लाइक इट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शेयर्स की नॉलेज नहीं होती. सो दिस इज समथिंग विच विल टीच देम एग्जैक्टली कि शेयर. तो गानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गानों के बारे में मैंने इसमें एक सॉन्ग लिखा है जो म्यूजिक सुहेल सेन जी ने दिया है, और राहत फतेह अली खान साहब और प्रतिभा सिंह बाघेल ने गाया उसको, अपनी आवाज़ दी. सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है, मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है. आई थिंक सैफ अली खान वॉज एक्सीलेंट. उनको कभी ऐसे अवतार में देखा नहीं गया है, बहुत कम बार वो मतलब कुछ ऐसे किरदारों में दिखते हैं जो अलग होते हैं, लाइक अर्बन एंड उससे. तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार प्ले किया अपना, एक गुजराती का किरदार प्ले किया है, और बहुत ही कन्विंसिंगली. और इवन रोहन मेहरा वॉज एक्सीलेंट. या उनकी फर्स्ट मूवी थी एंड ही इज़ एक्सीलेंट इन द मूवी. एंड राधिका एंड चित्रांगदा आर ऑल्सो वेरी गुड. ऑल दो उनका रोल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्ट्रेसेस, बट जितना भी था दे प्लेड इट वेरी वेल. विनोद मेहरा के जो बेटे ने अभी इस फिल्म से इंट्रोड्यूस किए हैं उनको, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. लग नहीं रहा है कि उनकी फर्स्ट फिल्म है. और सैफ अली खान तो एज यूजल है ही अच्छे एक्टर, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग. बाकी सब आपको कैरेक्टर स्क्रीन प्ले कैसा लगा, स्टोरी लाइन कैसी थी? एवरीथिंग इज परफेक्ट. और फिल्म में बहुत एक्साइटमेंट था, थ्रिल था, और फिल्म ऐसा लग रहा था कि एक सीन भी हमारे आंखों से ओझल ना हो. हर सीन में मजा है. सेम. एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन. लास्ट का आई थिंक वाज लिटिल स्लो, नहीं तो फिल्म बहुत ही पेसी है. आपको यू विल एंजॉय द फिल्म. इट्स टोटली अबाउट स्टॉक ब्रोकिंग एक्चुअली है, किस तरह से ये पूरी मार्केट चलती है, स्कैम्स कभी कैसे होते हैं, पॉलिटिशियंस कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कुछ थोड़ा बहुत बताया. मीडिया कैसे इन्वॉल्व होती है इस चीज़ों में, मतलब जो उछाल करती है, वो सब कुछ दिखाया गया है. इट वॉज अ गुड फिल्म. मूवी के सॉन्ग्स के बारे में क्या बोले? हाँ, दे आर ग्रेट. हनी सिंह का गाना है तो वो तो बहुत ही अच्छा है. आई लव मूवी. इंडस्ट्री को एक नया स्टार मिला, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने. डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, वो कैसा लगा? डायलॉग्स एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब
ऐसा कुछ बहुत ऐसा ओवर द टॉप नहीं है, लेकिन इस तरह से लिखे गए हैं कि आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी. एंड कई डायलॉग्स ऐसे हैं जिनका काइंड ऑफ दो मीनिंग निकलते हैं, नॉट इन अ बैड वे, बट लाइक जैसे वो कोई कहानी सुनाते हैं तो वो आप कहानी की भी बात कर रहे हैं लेकिन साथ में वो सिचुएशन की भी बात कर रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. डायलॉग्स अच्छे हैं, तीन चार पंच लाइन है अच्छी है और मतलब स्क्रीन पर वो भी टाइट रखा है. बीच में थोड़ी सी पिक्चर स्लो होती है इंटरवल के टाइम पे, लेकिन बाद में अच्छा पिकअप पकड़ लिया. कोई ना कोई एक लो पॉइंट होता है, तो ये मूवी का अगर आपको माना जाए तो क्या एक छोटी मतलब गलत चीज़ कर दिया या सुधार सकती थी? ये पिक्चर में वो बताया है कि शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर दिमाग वालों का खेल है. कमाने वाले बहुत कमाते हैं और गंवाने वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं. तो ये पिक्चर में वही दिखाया है कि शेयर मार्केट थोड़ा सा डेंजरस होता है, वो बिजनेसमैन वालों के लिए भी और जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी. तो वो एक सीख दी है कि सोच समझ के करना चाहिए डील. लोगों को देखना चाहिए ये मूवी. आई थिंक सो पीपल विल एंजॉय बिकॉज एवरी एलिमेंट इज फाइन. लास्ट शायद आई थिंक सो लिटिल स्लो हुआ था, शायद 8-10 मिनट वो एडिट हो सकता था, बट ओवरऑल द फिल्म इज फाइन. कोई ऐसी चीज जिस वजह से लोगों को मूवी देखनी चाहिए? हाँ, मतलब जो इसका सस्पेंस है, एक तरह से थ्रिलर नहीं है लेकिन फिर भी इस मूवी में सस्पेंस है कि अब क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और प्लस आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा. एज अ लेमन हमको बस पता होता है शेयर्स का भाव ऊपर नीचे, लेकिन इसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट काम करता कैसे है. मतलब इस पिक्चर में यही दिखाया है कि जो लोग एकदम से ऊपर उठने के, खासतौर पर जब छोटे शहरों से आते हैं, उनका सपना होता है कि आसमान को छूना, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वे से जाना भी ज़रूरी है. इसमें वही दिखाया है कि जो लोग बहुत ऊंचा उड़ते हैं ना, वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं. तो इस पिक्चर का वो मकसद है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो. अभी एक थे हर्षद मेहता जो कि नामी था, शेयर मार्केट में उनका बहुत नाम था, लेकिन मतलब वही है कि उनका भी बाद में नाम कहीं नहीं था. तो ऐसा भी होता है. कितने स्टार्स देना चाहेंगे लास्टली? आउट ऑफ I'll give 3.5 out of 5.